टू श्री आदिम्स ब्लॉग्स। सो कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब अच्छे होंगे जैसे आप हमेशा रहते हैं। सो गाइस, आज जो है इस वक्त मैंने ब्लॉग जो है वो स्टार्ट किया है। इसका रीज़न ये है क्योंकि इस वक्त बज रहे हैं सुबह के बज रहे हैं पाँच और बेसिकली आज है ईद उल अदा, साथ ही है एकादशी। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जब तक आपको ये ब्लॉग मिलेगा मेरे ख्याल से बासी ईद या तिवासी ईद हो चुकी रहेगी या फिर एकादशी भी ख़त्म हो गया होगा। बिकॉज़ ये जो ब्लॉग है ये मैं लेट पोस्ट करने वाली हूँ, तो पोस्ट रहेगा ये आपको लेट मिलेगा थोड़ा सा, उसके लिए पहले ही सॉरी बोल देती हूँ। सो अभी जो है 5 बज रहे हैं मॉर्निंग के। सो मैं आज थोड़ा जल्दी उठी हूँ क्योंकि मुझे बनाना था शीरखुरमा। सो मैं बनाने वाली हूँ शीरखुरमा। ईद उल अदा है तो ऑब्वियसली शीरखुरमा तो बनेगा। बेसिकली मैं ईद में जाती हूँ अपने घर पर, बट मुझे जाने नहीं मिला। मैंने सोचा कि मैं यहीं बना देती हूँ। वैसे मैंने रमज़ान ईद के लिए भी, मैंने ईद उल फित्र के लिए भी मैंने घर पर यहीं पर बना दिया था अपने घर पर। सो क्योंकि तभी भी मुझे घर जाने नहीं मिला था, छुट्टी नहीं है। सो अभी तो अपन चलते हैं जल्दी जल्दी से नीचे किचन की ओर, और किचन में जाने के बाद बनाना स्टार्ट करते हैं हमारा शीरखुरमा। वैसे मैं आपको एकदम डिटेल्स में नहीं बताने वाली हूँ, जल्दी जल्दी हम लोग बना देंगे। सो अभी मैं आ गई हूँ नीचे शीरखुरमा बनाने के लिए, और जैसे कि मैंने आपको बोला था कि मैं 3 लीटर का शीरखुरमा बनाने वाली हूँ, तो मैंने यहाँ पे ले लिया है 3 लीटर शीरखुरमा, जिसको मैं अभी जो है पतेला उसमें मैं डाल रही हूँ ताकि मैं इसको गर्म कर सकूँ। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं खींचना है तो मैं इसको झटझट बताऊँगी आपको, और वीडियो को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी एंड कर दूँगी मैं। तो एक बार मैं अभी इसको पहले तो रख देती हूँ गैस पर गर्म करने के लिए, एंड साथ में जो है मैं आपको चीज़ें भी बता देती हूँ कि मैं क्या क्या इसके अंदर डालने वाली हूँ। लाइक वो तो मैं आपको अच्छी तरीके से बता दूँगी। एंड अभी फिलहाल मैं यहाँ पे सफाई कर रही हूँ थोड़ी सी। तो मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने क्या क्या प्रिपेयर किया है, क्या क्या लेना है। यहाँ पे ये मैंने सेव रखी है, भुनी हुई सेव है। सेव के बाद ड्राई फ्रूट्स, तो सबसे पहले सैफ्रॉन। ये सैफ्रॉन ना आई जब हिमाचल गए थे ना चारधाम के लिए, तब वहाँ से लेकर आए थे, तो बेसिकली इसको ओरिजिनल बोल सकते। इसके अलावा किशमिश है, चारुली है, और काजू है। काजू मोटा मोटा काटा है मैंने थोड़ा सा, और बादाम है। ठीक है, इसको जैसे काटना है वैसे आप काट सकते हो। फिर केवड़ा भी डालने वाली हूँ मैं, रोज़ एसेंस या फिर वो रोज़ वाटर का इस्तेमाल करना है। फिर खवा डालने वाली हूँ मैं इसके अंदर, 100 ग्राम खवा लाई थी मैं, और टीस्पून के आसपास इलायची की पाउडर डालूँगी, और असली घी में इन सारी चीज़ों को फ्राई करूँगी। और ये मिल्क मेड जो है ना ये ऑप्शनल है। ठीक है, अभी इसके अंदर शक्कर ऐड करूँगी मैं, बेसिकली 2 प्याली के आसपास लूँगी मैं। अभी सारी चीज़ें 1 बाय 1 डालते जाएंगे, एक बार ये पूरा पक जाएगा ना फिर मैं आपको इसको शो करूँगी कैसा।
सो शिरकुरमा तो मेरा रेडी हो गया है। अभी मैं इसको डिश आउट करके भी आपको दिखा देती हूँ एक बार के ये कैसे दिख रहा है। वैसे हाँ, हो गया है मेरा शिरकुरमा रेडी। अब ये कैसा लग रहा है ये आप बताओगे मुझे कमेंट सेक्शन में। सो गाइज, आपको मेरा शिरकुरमा का रेसिपी कैसे लगा प्लीज़ बताना। वैसे मैंने ऑलरेडी दीपक को खाने के लिए दे दिया था, दीपक उड़ गए थे जल्दी तो उनको मैंने एज ए नाश्ते में दे दिया था, एंड उनका फीडबैक मुझे मिला कि शिरकुरमा काफ़ी अच्छा बना है। वैसे उनको मेरे हाथ का जो शिरकुरमा होता है वो पसंद आता है हमेशा से। तो ये व्लॉग मैं कर रही हूँ यहीं पे, एंड दूसरा व्लॉग लेके आपके साथ बहुत जल्दी आना है। वैसे ये व्लॉग अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करें, एंड चैनल को आगे बढ़ाएं। साथ ही कमेंट सेक्शन में अगर आपको कुछ अच्छा अच्छा मेरे लिए लिखना है तो प्लीज़ ज़रूर लिखें, क्योंकि आपका एक कमेंट भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है। सो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट व्लॉग में बहुत जल्द, तब तक के लिए बाय बाय।